वेलकम टू माय चैनल मोपेट किड्स जोन। आपने जैसे कि हमारे पहले वीडियो में देखा था कि मैंने आपको बड़े आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा बताया था। आज मैं आपको छोटे ऊ की मात्रा के बारे में बताऊंगी कि उसका उच्चारण कैसे करते और उसको हम कैसे लिखते हैं। आगे शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं छोटे ऊ की मात्रा। छोटे ऊ की जो मात्रा लगती है वो ऐसे लगती है, ठीक है, ऐसे हम लिखते हैं। आप जैसे नॉर्मल वर्ण को पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, क, ठीक है। जब इसमें कोई मात्रा लग जाती है तो वो मात्रा का जो आवाज होती है, साउंड होता है, वो उस व्यंजन की साउंड के साथ जुड़ जाती है। जैसे का में आ की मात्रा का, ठीक है। का में अगर छोटी की मात्रा की, बड़ी की मात्रा की। अब छोटे ऊ की मात्रा देखते हैं कि उसकी आवाज कैसी हो जाती है। जब छोटे ऊ की मात्रा लगेगी तो हम यहाँ नीचे लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? नीचे लगाते हैं। और इसकी मात्रा भी जैसे हम छोटी ई की मात्रा झटका दे के बोलते हैं, वैसे ही हम झटके दे के बोलेंगे और हमारा मुंह का जो होता है वो यूं हो जाता है, कु कु, ठीक है। हम झटका दे के बोलेंगे और हमारा जो लिप्स का शेप हो जाता है तो आगे की तरफ निकल आता है और फिर पढ़ेंगे आप लोग कु कु। खा में लगेगी तो खु खु। गा में गु गु। घा में घु घु। अड़ा खाली। अब आता है चा। चा में चु चु। छा। छा में छु छु। जा। जा में जु जु। अब आता है झा। झु झु। इया खाली। फिर हमारा टा। टा में ऊ की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, टू टू। ठा में ठू ठू। डा में डू डू। ढा में ढू डू। आड़ा खाली। फिर से आइए एक बार देखते। का में छोटे ऊ की मात्रा कु। खा में खु। गा में गु। घा में घु। आड़ा खाली। फिर चा में छु। छा में छु। जा में जु। झा में झु। इया खाली। टा में टू। ठा में ठू। डा में डू। ढा में ढू। आड़ा खाली। चलिए अब आगे के व्यंजन में ऊ की मात्रा लगाते हैं। टा में तू। ठा में थू। दा में दू। धा में धू। ना में नू। पा में पू। फा में फू। बा में बू। धा में भू। मा में मू। या में यू। अब आते हैं रा में, ठीक है। रा में जो हम छोटे ऊ की मात्रा होती है वो हम नीचे नहीं लगाते, उसके जो मोटे मोटे गाल है ना, ये हम उस पे लगाते हैं ऐसे, ठीक है, उसके गाल पे ऐसे, ठीक है। तो हम उसके गाल पे लगाते हैं, जो मोटे मोटे उसके गाल है हम ऊ की मात्रा उस पे लगाते हैं, ठीक है। तो हम इसको कैसे बोलते हैं, रू रू। ला में लू।
वा में वु, शा में शु, सा में सु, सा में सु, हा में हु। फिर से एक बार हम शुरू से अंत तक पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों? का में कु, खा में खु, गा में गु, घा में घु, आड़ा खाली, चा में चु, छा में छु, जा में जु, झा में झु, इया खाली, टा में टू, ठा में ठू, डा में डू, ढा में ढू, अड़ा खाली, ता में तू, था में थू, दा में दू, धा में धू, ना में नू, पा में फू, फा में फू, बा में बू, भा में भू, मा में मू, या में यू, रा में रू, ला में लू, वा में वु, शा में शु, सा में सु, सा में सु, हा में हु। ठीक है, याद रखिएगा रा की मात्रा हम नीचे नहीं लगाते उ की, यहाँ से हम लगाते हैं, ठीक है? और रा उ छोटे उ की मात्रा को उच्चारण कैसे करते? छोटा सा झटके के साथ, ठीक है? और हमारा जो मुंह आगे की तरफ खुलेगा ऐसे, ठीक है? तो कु, खु, गु, ठीक है? सबको समझ में आ गया? आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है पढ़ने की। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतनी अच्छे तरीके से आपको मात्राओं को पढ़ना आएगा। अब इनसे छोटे ऊ से बने हुए शब्दों को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी, ठीक है? तो तब तक के लिए आप छोटे ऊ की मात्रा का अभ्यास करिएगा सभी व्यंजनों के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।